सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर आज शूट कर रही हैं जी, और दुल्हन के गेटअप में हैं आप, तो थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या शूटिंग है, एंड दुल्हन के जो आप गेटअप में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। तो हम शूट कर रहे हैं, हमारी हिंदी मूवी की शूट चल रही है, वो मेरी स्टूडेंट है, जिसमें आप मुझे और अनूप जी को दोबारा साथ में देखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो स्टोरी है वो कोई भी सीरियस चीज़ नहीं है, पूरी कॉमेडी फिल्म है, और बहुत ही सोच समझ के एक एक चीज़ पे हमने काफ़ी वर्क किया है, और आज ये दुल्हन के गेटअप में हूँ और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सो वी आर शूटिंग टुडे, और एक सबसे ख़ास बात ये है इसके बारे में कि हमारे जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, उनको लोगों ने हमेशा भजन गाते हुए देखा है। एक नए अवतार में अनूप जी इस मूवी के थ्रू लोगों के सामने आएंगे, और ये सबसे बड़ी जैसे एक हैरान करने वाली जैसी बात होती है, वो होने वाली है। और जितना एक्साइटेड हम अनूप जी को देखकर हैं, आई एम वेरी श्योर लोग भी उतना एंजॉय करेंगे, और बड़ा मज़ा आने वाला है। जब हमने सारी दुनिया ने बिग बॉस में आपको और अनूप जी को देखा, तो सारी दुनिया ने आप लोगों को अप्रिशिएट किया जी, कई जगहों पर ब्रेकिंग भी बन गई। यहाँ पर क्या कुछ आप लोग का कॉन्सेप्ट या कौन से अंदाज में आप लोग नज़र आने वाले हैं, अगर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, बिग बॉस में जब हम थे तो हमारी जोड़ी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, स्पेक्यूलेशंस थे बहुत सारे। लोग कह रहे थे कि हम दोनों कपल हैं, ये है। एक वो प्रैंक जो था, एक मजाक था, वो बहुत आगे चला गया था, और आज तक जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि क्या रिश्ता है, और काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं हमारे बारे में। कभी अगर पिक्चर्स भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर भी अनूप जी के बारे में पूछा जाता है। तो अब जब रिश्ता लोगों को समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, किस तरह लोगों को बताया जाए कि क्या रिश्ता है हमारे बीच में। तो अब मूवी के थ्रू हम बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है हमारा और क्या बॉन्ड है हमारा, बट एक सीरियस तरीके से नहीं, कुछ इसमें कुछ सीरियस नहीं होने वाला है, बट एक बहुत ही फनी वे में। इट्स अ कॉमेडी फिल्म, तो पूरी कॉमेडी होने वाली है इसमें, एंड पीपल आर गोना एंजॉय इट फॉर श्योर। एंड कॉमेडी करना, जितना हमने सुना है कि काफ़ी टफ होता है, आप किसी से सीरियस एक्टिंग करा लो, किसी को रुला लो, लेकिन कॉमेडी करना वो दिल से निकलना चाहिए। सो जसलीन जी के लिए कितना टफ होने वाला है ये कॉमेडी के सीन? देखिए, मेरे हिसाब से कॉमेडी हो, रोना हो, इमोशनल हो, हॉरर हो, एक्ट करना मतलब अपने आप में ही एक मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, बट ऑफकोर्स एक आर्ट है वो। और मैं नहीं कहूँगी कि मतलब कॉमेडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उतना ही डिफ़िकल्ट एक इमोशनल सीन को करना है, उतना ही डिफ़िकल्ट एक फाइट सीन करना है। तो जो भी आप कैमरा जब ऑन होता है उसके सामने, जब आप कुछ भी बोलते हो, एक लाइन भी बोलो, तो वो भी एक आर्ट है। इट्स नॉट वेरी ईजी, कि कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। एक नेचुरल एक्टिंग भी होती है, जो ऐसा लगता है कई बार हम एक ऐसे सीन देखते हैं और सोचते हैं ये कितना नेचुरल कर रहे हैं, मतलब कि ये तो ऐसे ही हम बैठे बैठे बोल देते हैं। बट जब वो, कई लोग ये नहीं समझते हैं कि हम जब इस तरह बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है तो फिर वही डायलॉग आप जब एक्ट करते हो तो वो वैसे नहीं बोल पाते हो, फिर वो मैकेनिकल सा कई बार लगने लगता है। तो वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, और एक ये आर्ट है जो बचपन से हर हर इंसान में होती, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और जिनमें ज़्यादा होती है उसे आप पॉलिश करते हो और एक अच्छे एक्टर बनते हो। वो तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एंड अब बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में हम आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस कितना ज़रूरी था आपकी लाइफ में, बिग बॉस को आप जसलीन जी कितना इम्पोर्टेंट देती हैं अपनी लाइफ में? मेरे लिए बिग बॉस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिग बॉस की वजह से ही लोग आज ना कि मुझे एज एन एक्टर जानते हैं, बल्कि वो मेरी नेचर जानते हैं। उन्हें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी किरदार जब हम स्क्रीन पे निभाते हैं तो हर जो एक्टर है उसे उसके कैरेक्टर के नाम से ही पहचाना जाता है। लोग कहते हैं हाँ ये ऐसा है, ये वो है, ये नागिन बन गई तो वो नागिन के उस पर देखा जाता है, लेकिन बिग बॉस ही ऐसा शो है जहाँ पर आप एज अ पर्सन क्या हो उसी से आपकी पहचान है।
तो वही मेरे साथ हुआ है कि शायद अगर मैं कोई यू नो सीरियल कर रही होती या मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही होती तो लोग नहीं जानते कि जसलीन एक्चुअली कैसी है, बट टुडे पीपल नो हाउ आई एम. मैं कहीं भी जाऊँ तो उनको पता होता है कि हाँ जसलीन का नेचर ऐसा है. दे जस्ट कम अप टू मी, दे हग मी. औरतें आती हैं मेरे पास और बोलती हैं अरे यू नो वी लव यू. तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने बिग बॉस से कमाई है. बातें तो बहुत करते हैं बट हम देख नहीं पाए हैं क्योंकि हम नॉन स्टॉप शूट कर रहे हैं, दिन रात वही हो रहा है अभी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता. हमें ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है अंदर. कुछ मेरे फ्रेंड्स गए हैं, मुझे ये ज़रूर पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है. बट आई एम वेरी श्योर हर बार एक नया कॉन्सेप्ट आता है बिग बॉस, हर बार मेकर्स कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो आई एम श्योर लोग एंजॉय कर रहे होंगे. जी जी, इस बार का जो कॉन्सेप्ट है सीनियर एंड फ्रेशर्स. अच्छा. सीनियर में हीना है, गौहर एंड सिद्धार्थ हैं. हाँ, फ्रेशर्स में तो जो भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, कैसे देखती हैं आप इस कॉन्सेप्ट को सीनियर एंड फ्रेशर्स? अब देखिए वैसे सीनियर्स का जो मुझे जितना मैं सुनने में आया है कि 2 हफ्ते तक उनका है, बट लेट्स सी, शायद कुछ और चीज़ें सिखा कर ही जाएंगे वो कि किस तरह करना है. कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि जब हम भी जैसे बिग बॉस में गए थे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. 2-3 हफ्ते तो किसी को कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, क्या होने वाला है, टास्क कैसे करने हैं. लोग बहुत, हम लोग हमारे सीजन में तो कुछ लोग तो बहुत ही अजीब ढंग से ही टास्क कर रहे थे, मतलब इतनी गंदगी हो रही थी, तो वो एक अंदाज़ा नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से 2-3 हफ्ते बहुत ठंडे भी जा रहे थे. बट धीरे धीरे पिकअप होने लगा जब अंदर कुछ लोग आए, एक्स कंटेस्टेंट्स आए, उन्होंने बताया कि कैसे आपको क्या करना है ना. कुछ लोग हैं जो पहले ही हार मान लेते थे, तो वो उनको बताया कि आपने हार नहीं माननी है, तब जाकर वो सीज़न अच्छे से डेवलप हुआ आगे जाकर, बिकॉज कंटेस्टेंट्स को समझ में आने लगा कि कैसे करना है. तो आई होप ये टाइम पे सीनियर्स जो हैं वो फ्रेशर्स को समझाएं कि क्या है, उनको तरीके समझ में आए गेम खेलने के. बहुत अर्ली है इस बार, मेरे फ्रेंड्स तो हैं इसमें, मतलब राहुल वैद्य है, जान कुमार शानू है, पर अभी बहुत अर्ली है बोलना के कौन फेवरेट है और कौन नहीं. लेट्स सी, मैं मतलब इसलिए नहीं कहूँगी जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मुझे जान कुमार शानू बहुत ही प्यारे लगते हैं और हैं भी बहुत ज़्यादा प्यारे. राहुल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट देखते हैं गेम खेलने का तरीका, उस पर डिपेंड करता है अब कौन फेवरेट फेवरेट बनता है. क्योंकि आप 13 की कंटेस्टेंट हैं आपकी जी, 12 की आप कंटेस्टेंट थी और आप हैं, तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी तरफ से आप कुछ टिप्स देंगी राहुल वैद्य हैं. मैं देखो मुझे लगता है कि राहुल तो डेफिनेटली उनको टिप्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ और जिस तरह से उनका नेचर है मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं और वो इमिजिएटली यू नो पिकअप ले लेंगे, जहाँ तक मैं उनको समझती हूँ. जान बहुत ही स्वीट सा है, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उस घर में यू नो सर्वाइव करना. मैं 3 महीने रह चुकी हूँ घर के अंदर तो मैं जानती हूँ. अगर वैसे तो देखो जाने से पहले नहीं बता सकते किसी को भी कि हम जा रहे हैं, इस वजह से मुझे पता भी नहीं था कि जान यू नो एंटर कर रहे हैं बिग बॉस 14 में. बट आई रियली विश उन्होंने मुझे बताया होता तो कुछ टिप्स मैं उनको जाने से पहले ज़रूर दे देती. हम देख रहे हैं कि जैसा कि हर साल घर के अंदर होता है, इस बार भी हम देख रहे हैं कि कुछ एक छोटी मोटी फाइट स्टार्ट हो चुकी है जी, एक दूसरे के बीच में तलवार की बातें भी हो रही हैं. अच्छा. तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप तो उस घर से होकर आई हैं, तो इन सारी चीज़ों को जसलीन जी कैसे देखती हैं? वो तो होंगी ही फाइट्स, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है. धीरे धीरे तो मतलब बहुत ही घटियापन पे सारे उतर आएंगे. हम भी उतर आए थे सारे, तो वो तो होना ही है. जब एक घर के अंदर इतने दिन के लिए आप बंद हो तो फिर तो इंसान पगला सा जाता है. हम भी पगला गए थे, तो हैपन्स, वो होने वाला है. अभी है वक्त और रुकिए, अभी 3-4 हफ्ते होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं सबके रूप क्या निकलते हैं. घर के अंदर अगर मैं पूछूं तो सबसे ज़्यादा आपने किसे मिस किया, आपकी बहुत याद आई? एंड मैं मतलब मेरे सीज़न में से, आपके सीज़न में, आपके टाइम पे जवाब, मैं सबसे ज़्यादा बिग बॉस के अंदर मतलब जो मोमेंट्स जो हमारे थे वो मिस करती हूँ. दीपिका, मैं, श्रीशांत, हम चारों के जो थे, और इवन शिवाशीष एंड सौरभ, जिस तरह हम साथ में रिलेशनशिप्स थे हमारे, वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ.
सो मौका मिले तो आप वाइल्ड कार्ड के जरिए अगेन? डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बिग बॉस तो मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बिग बॉस करने के बाद मैंने मुझसे शादी करोगे किया उसी घर में, बिग बॉस 13 के घर में, तो तभी भी बहुत अच्छा लगा था। बट अभी अगर मौका मिले आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो। सो हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जो बिग बॉस के घर के अंदर गया, हम हर किसी को तो विनर नहीं बना सकते, धीरे धीरे नॉमिनीज की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। हाँ जी। तो आप किसे मानते हैं कि सबसे पहले इस पर्सन को घर से आउट होना चाहिए? बहुत अर्ली है अभी तो, अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, परफॉर्मेंसेज ही नहीं देखे हैं, तो अभी से नहीं जज कर पाऊंगी मैं। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी हम शूट कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है अभी तो मुझे, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें चल रही हैं, सुशांत सिंह के केस के बाद से सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही कि बायकॉट बिग बॉस, बायकॉट सलमान खान, जसलीन जी जब इस तरह से चीज़ें सुनती हैं तो इस पे क्या टेक होता है जसलीन जी का, कैसे रिएक्ट करती है? देखिए बॉयकॉट बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान खान हो रहा है, लोगों के अपने तरीके हैं गुस्सा दिखाने के जो कि जायज़ है, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि क्या है केस, क्या है, किसी को जब कुछ पता ही नहीं है तो इस पर कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। और ये तो मुझे अभी आपने बताया कि बॉयकॉट सलमान खान ऐसे, आई मीन बिग बॉस 14 और ये जो भी आपने बताया ये हो रहा है, बट बहुत सारी, देखो बहुत सारी बातें होती हैं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। जिनका काम है, सीबीआई का काम है, हमारी कंट्री में जो हमारे यू नो पुलिस है वो अपना काम कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, पता चल जाएगा। एंड हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सारी दुनिया ही घर के अंदर लॉक हो गई थी, मतलब सारी दुनिया के लिए ही घर जो है बिग बॉस बन गया था। तो आपने, जसलीन जी ने कैसे इस 4 मंथ या 6 मंथ कैसे आपने उसे निकाला? मैंने तो खूब एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया मैंने, बर्तन धोए, कपड़े धोए, सारे घर के सारे काम किए, न्यू वीडियोस बनाए, काफ़ी कुछ किया, और लॉकडाउन मैंने बहुत एंजॉय किया। जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि घर के अंदर रहना है, तो हमने वो रूल्स भी फॉलो किए, हम कहीं बाहर नहीं निकले, और अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। सो ऐसी कोई नई एक्टिविटीज़ जो आपने सीखी? कोई ऐसी नई एक्टिविटी नहीं है, मैं सारा कुछ ट्रेन होकर ऑलरेडी बिग बॉस के घर से आ चुकी थी, तो फिर मुझे कुछ ऐसा नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर के काम है, कुकिंग एंड ऑल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो कुकिंग थोड़ी बहुत अब जानती हूँ। आज का जो भी सीक्वेंस शूट होने वाला है, यू एंड अनुज जी, कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस अभी शॉट लगा हुआ है, मैं अभी वही शॉट देने जाऊँगी, तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ। एक आखिरी सवाल, अनूप जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि मैंने और उनके पिताजी ने, आई मीन आपके पिताजी ने जो है जसलीन जी के कन्यादान करने का ये किया है, तो कन्यादान तो वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जसलीन जी ने अगर कोई लड़का ढूंढा होगा या शादी की कोई प्लानिंग करेंगी उसके बाद कन्यादान का स्टेप आता है तो? बिल्कुल नहीं, पहले लड़का ढूंढा जाएगा, वो पापा मेरे ढूंढेंगे, अनूप जी दोनों मिलकर ढूंढेंगे, और फिर अनूप जी ही कन्यादान करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल तय है। और लड़का पहले मिल जाए, अच्छा सा प्यारा सा लड़का पहले मिल जाए, अभी तो खूब सारा काम करना है, और बीच में अगर दोनों ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो विद टाइम देखते हैं कौन आता है लाइफ में, क्या होता है। ठीक है, जाते आते अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को, जो कुछ लोग तो अगेन इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अगेन बिग बॉस में जाए, ऐसे सारे लोगों को क्या कुछ कहेंगी? बिग बॉस में मुझे नहीं पता कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी फिलहाल, बट वो मेरी स्टूडेंट है का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, बिकॉज़ इट्स गोना बी रियली फन, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।